अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हम जो है साइड इंस्टॉल कर रहे हैं लाहौर के एरिया के अंदर DHA फेस 3 के अंदर। ये पैनल है जी कैनेडियन सोलर 595 वाट जो 17 एम्पेयर के अंदर आया, 18.42 एम्पेयर हैं इसके शॉर्ट सर्किट के अंदर। TR1 पैनल है और मोनोपर्क है, हाफ कट के अंदर है। ये फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा ही खूबसूरत जो है ये पैनल है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। ये इंस्टॉलेशन हो रही है 15 किलोवाट की। ये इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह हम बना रहे हैं, अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। टाइम इस वक्त आप देखें कि 4:00 और मैं 4:15 से ऊपर टाइम हो गया है। अच्छा अली भाई, इसके वोल्टेज चेक कराएं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सन जो है इस वक्त मतलब कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 40 ला तार सही नहीं लगे, कितना वोल्टेज आ रहे हैं जी? 37 क्यों थे ला प्लेट लगा लें कोई बात, 37 सही तरह से ना इसको पकड़ के रखें। अच्छा तेरी तार ये रही, यार 2 लीटर ला लो बीच। हाँ जी, 37 पॉइंट तेरा हिल जाना है, 37 पॉइंट 40 नहीं पूरा, 37.81। अब इसके एम्पीयर्स चेक करें, एम्पीयर 12 समथिंग। अच्छा एक मिनट ठहरें ज़रा, इसको इधर एक दोबारा लगाओ वोल्टेज पे। हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम। इसको नीचे आने दो पैनल को, जी जी नीचे आने दो, हाँ जी आने दो, नीचे आने दो। हाँ मैं मिल गया मैंने, ठीक है अब एम्पीयर चेक करें। मीटर के ना स्क्रीन 12.52 यानी कि 12.5 एम्पीयर आ रहे हैं इस वक्त। टाइम आपको मैंने बताया 4:15 जो है वो हो रहे हैं। ये है जी जो नया मॉडल आया कैनेडियन का 595 वाट मोनोपर्क, और काफ़ी व्यूअर्स पूछ रहे थे कि इसके जो हैं वो वोल्टेज और एम्पीयर का रिज़ल्ट जो है वो चेक कराएं। तो ये है जी इसका रिज़ल्ट, DHA फेज 3 के अंदर ये साइड इंस्टॉल हो रही है और 4:15 जो है ये 12.5 एम्पीयर जो है आ रहे हैं और तकरीबन 38 वोल्टेज जो है इसके आ रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आमिर पावर सॉल्यूशन। अल्लाह हाफिज़।